ये जो चार्ट है ये स्पॉट गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। स्पॉट गोल्ड यानी एक्चुअल गोल्ड, ठीक है। इसका सिंबल जैसे आप लोग भी सर्च करेंगे ना, आप सर्च कीजिएगा आपके ट्रेडिंग व्यू पे कीजिएगा, है ना, एंजल ब्रोकिंग पे ये नहीं मिलेगा। इसका वो है सिंबल नेम है XAU USD। एक्स रिप्रेजेंट फॉर फॉरेक्स, AU रिप्रेजेंट फॉर साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्ड, एंड USD के रेफरेंस में इसका रेट आ रहा है, ठीक है। अभी अभी ये जो दिख रहा है ना गोल्ड, कुछ दिन पहले ये गोल्ड इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड, यानी कुछ महीने पहले इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड $2,070 पर 28 ग्राम था, और आज इसका रेट देखो $2,720 पर 28 ग्राम है, यानी शार्पली डाउनफॉल। और कितनी बार सपोर्ट लेने आया देखो आप, ठीक है, दिख रहा है 1 2 3 4 वापिस बैक टू बैक ये सपोर्ट, ये डॉट टू डॉट रेजिस्टेंस है ना। यानी अब गोल्ड गिरना नहीं चाहिए इससे ज्यादा, अगर गोल्ड गिरा तो स्थिति खराब होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट गोल्ड भी प्रोक्योरमेंट करके रखती है, तो गोल्ड की वैल्यूएशन गिरेगी तो उनके असेट वैल्यूएशंस भी गिरेगी और करेंसी की वैल्यूएशन भी गिरेगी, इसलिए गोल्ड नहीं गिरना चाहिए। स्टॉक मार्केट गिर जाए चलता है, गोल्ड नहीं गिरना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल बैंक का गोल्ड, वो सेंट्रल बैंक खरीदेगी नहीं, ठीक है। अगर डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा या डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो गोल्ड नहीं खरीदा जाता है। गोल्ड कब खरीदा जाएगा? जब डॉलर वीक हो जाएगा। सिंपल सा फंड है, डॉलर सस्ता हो गया यानी डॉलर की करेंसी वैल्यूएशन खराब, आरबीआई क्या करेगा? गोल्ड खरीदेगा। और अभी ये नहीं हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, डॉलर आज 80 रुपए पहुंच गया और गोल्ड की हालत देखो आप नीचे आता जा रहा है, कंटिन्यूसली ग्राफ में देखो आप कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, यानी डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन अदर करेंसीज। जिस दिन डॉलर वीक होना स्टार्ट होगा गोल्ड अप्रिशिएट करना स्टार्ट होगा। डॉलर बढ़ने का मतलब है वो क्रूड के साथ में, क्रूड ऑयल का कोरिलेशन साथ में है, बट डॉलर का और गोल्ड का कोरिलेशन लिटिल बिट अपोजिट है। वो इसलिए क्योंकि डॉलर मजबूती दिखाता है इकोनॉमी की और गोल्ड मजबूती दिखाएगा आपकी लाइक जब भी पैनिक सिचुएशन होगा उसके लिए। भाई लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में आप ये देखो 2019 के बाद देखो स्पाइक देख रहे हो आप, यहाँ से ये देखो आप, ये फरवरी मार्च दिख रहा है ना, कितने महीने में, मार्च से मई तक इतने से ड्यूरेशन में गोल्ड कैसा हो गया, भाग गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो जैसी सिचुएशन कूल डाउन हुई साइडवे हो गया, तो गोल्ड इज मूविंग साइडवे, तो गोल्ड अब सपोर्ट पे आ रहा है, कंटिन्यूसली गोल्ड नीचे गिर रहा है लेकिन अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा, दिख रहा है सपोर्ट। एक सपोर्ट बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 1 2 3 4 बस गोल्ड यहां तक आना चाहिए और फिर इसके बाद में वापस गोल्ड ऊपर जाना चाहिए। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, गोल्ड के अंदर। और इंडियन मार्केट में गोल्ड अभी 50,000 रुपए चल रहा है, 50,500 या 300 रुपए चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे न्यूज आया स्टॉक मार्केट गिरा तो गोल्ड में वॉलिडिटी आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा न्यूज आया तो गोल्ड स्टेबल हो जाता है, तो गोल्ड स्टेबल हो जाता है। अच्छी न्यूज के साथ में गोल्ड स्टेबल हो जाएगा और बुरी न्यूज के साथ में गोल्ड वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है। तो इट इज टाइम टू वॉलेटाइल नाउ, क्लियर है, ठीक है। एक ये डमी ऐप है, ठीक है, डमी क्या, मेटा ट्रेडर है, यू कैन बाय और सेल, लाइक जैसे मैं बाय करता हूँ, ठीक है, प्लेस्ड ऑर्डर प्लेस हो गया, आवाज आई ना, तो ऑर्डर प्लेस्ड ही है, ठीक है। सी दैट नीचे देखो आप, बॉटम में देखो, एक मैंने ट्रेड लिया था नीचे, सी दैट मेरा एक शॉर्ट का ट्रेड था $11,190 का प्रॉफिट का, 11,000 That was profit. Short में कमाया था वो. Volume one, यानी करीब करीब कितना गोल्ड है? ये गोल्ड है 2,800 ग्राम, 2,800 ग्राम, यानी almost हाँ 2,800 ग्राम सही है। अभी भी मैंने क्या किया? अभी मैंने एक buy का सौदा डाला, जो चल रहा है ना नीचे profit loss, मैंने एक buy का सौदा, ठीक है। ये देखो, एक ये सौदा काटता हूँ, cut it down, ठीक है। एक अभी एक सौदा काटा मैंने $11,000 वाला, इट वॉज प्रॉफिट। अगर मैं महीने भर से लेकर बैठता तो इट वॉज प्रॉफिट $11,000 का, और अभी देखो अभी ये चल रहा है $52-53 का प्रॉफिट चल रहा है, $80-100। दैट वॉज टू फास्ट, एक सेकंड में 3 बार ट्रेड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम क्वांटिटी। 100 क्वांटिटी खरीदी है डिस्प्ले की, डिस्प्ले कितने का है? 28 ग्राम का, 28 ग्राम के कितनी यूनिट? 100, ठीक है। यानी मैंने सीधे सीधे 2,800 ग्राम खरीदा है।
इंडियन मार्केट में भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा फॉरेक्स का ट्रेड है, ये इंडियन मार्केट के अंदर चालू है ना अभी माजा। सोर्स चेंज कर देते हैं, हाँ सी दैट। चलो एक ये ट्रेड है, ठीक है, ये अपने इंडियन मार्केट का गोल्ड है। क्या रेट चल रहा है? 50,586 रुपए, ठीक है। चलो ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। चलो ले ले ट्रेड इस पे ऊपर, भले आप लोग अभी भी ले लीजिए, सभी ले लीजिए। ट्रेडिंग व्यू ओपन कीजिए, गोल्ड फ्यूचर करके वहां पे सर्च कीजिए, एमसीएक्स। अगर आपको लग रहा है मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, सो टेक अ ट्रेड, डेमो ट्रेड है ये, सी दैट, ठीक है। चलो अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बाय का ट्रेड, आई विल गो फॉर बाय, ठीक है, सी दैट। कितनी क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी, ठीक है, बाय बाय कर लिया मैंने, सी दैट, ठीक है। मेरा प्रॉफिट यहाँ पे देखो साइड में आ रहा है मेरा, ठीक है, ये डॉलर में प्रॉफिट है, बट यू कैन अज्यूम एज एन रूपी, ठीक है। चलो रूपी में किया, अब मैं क्या करता हूँ इसमें टारगेट भी लगाता हूँ, सी दैट टारगेट। मैंने बाय किया, टारगेट कहाँ लगा दूं? नहीं, ऑलमोस्ट 50,600 पे मैंने बाय किया है, 50,600 की जगह मैं टारगेट डाल देता हूँ मात्र 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 10,000 का, ठीक है। और मैं लॉस डाल देता हूँ मात्र 10,000 रुपए का लॉस डाल देता हूँ, थोड़ा सा लंबा ले लेते लॉस, ये लो, ठीक है। ये मेरा ट्रेड रहा, सी दैट। आप खुद देखो क्या किया मैंने, ये डमी ट्रेड है, ठीक है, लेकिन ये फील आपको ओरिजिनल जैसा देगा, क्लियर है। यहां से मेरा एंट्री हुआ, ये मेरा प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी अगर मेरा ये टारगेट आ जाएगा तो 10,000 का प्रॉफिट, और एक ये मैंने नीचे एसएल लगा दिया, ठीक है, ये गोल्ड के अंदर, और ये मेरा करंट प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो 10,000 आ जाएंगे, और नहीं आता है तो 10,000 चले जाएंगे, क्लियर है। तो इस टाइप से आप ट्रेड ले सकते हो गोल्ड में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपको सिल्वर में ट्रेड लेना हो तो लेट्स गो फॉर सिल्वर, बहुत स्लो चल रहा है नेट आज, ये रहा देखो सिल्वर एमसीएक्स, दिस इज कमोडिटी, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप डमी ट्रेड्स जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप, तो प्रैक्टिस तो इसी में करना पड़ेगा आप, ठीक है। चलो कल कर लेंगे कंटिन्यू अपन, ठीक है। थैंक यू आप सभी को, फिर से गुरु पूर्णिमा का शुभकामनाएं, है ना, मस्ती कीजिए आज, है ना, फिर कल अपन करते हैं इसको कंटिन्यू। बाय, गुड नाइट ऑल।